अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मौजूद हैं कुहाड़ तबलीगी मरकज़ में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा तबलीगी मरकज़ है, जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों लोग आते हैं, यहाँ ईमान सीखते हैं, ईमान की मेहनत को सीखते हैं, दीन के मसाइल को सीखते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इस तबलीग की बरकत से अल्लाह पाक ने उनकी ज़िंदगियों को बदला है। हज़ारों लोग आते हैं, बहुत से लोग यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाते हैं। तो कुहाड़ तबलीग मरकज़ जो है, ये कुहाड़ के कैंट में वाक़िया है, एक बहुत आला किस्म का और बहुत ज़बरदस्त किस्म का मरकज़ है। तकरीबन 120 जरी पर बना हुआ है, 480 कनाल के रकबे पर ये कुहाड़ मरकज़ है, और 2014 से लेकर आज तक ये तबलीगी मरकज़ जारी है। हर दिन यहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं, हज़ारों जमातें पूरी दुनिया से आती हैं, दीन को सीखते हैं और दीन को लेकर पूरी दुनिया में फैल कर जाते हैं। कुहाट मरकज़ को बनाने में किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी का कोई हाथ नहीं है। इस मरकज़ को बनाने में जितने भी कुहाट की आवाम है, मर्द, औरतें, बच्चे, सबका एहसास में है। क्योंकि जब इस मरकज़ को बनाया गया तो मरकज़ के जितना आसपास इलाके हैं, कुहाट पूरा ज़िला है, इसको मुख्तलिफ हलकों में तकसीम किया गया। मुख्तलिफ हलके हैं, हर इलाके का अपना हफ्ता होता है। वो इलाके हफ्ते में आके मरकज़ के अंदर जितना कंस्ट्रक्शन का काम है वो खुद करते हैं। कोई कारीगर है तो कारीगर का काम करता है। जिस किस्म का शोभा है, जो हुनर जिसको अल्लाह पाक ने दिया हुआ है, तो वो इस मरकज़ के अंदर आके उस काम को करते हैं। तो किसी कंपनी का हाथ नहीं है। लोग कहते हैं भाई मरकज़ कहाँ से बने, तो अल्लाह पाक ने बनाया है। लोगों मतलब लोग पैसा लोगों का ही लगा है, लेकिन क्या है कि इसको बनाने में किसी बड़ी कंपनी का कोई हाथ नहीं है, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी कोई चीज़ भी नहीं है। अल्लाह पाक ने लोगों को एक मेरे ख्याल में तौफीक दी थी, जितने भी कुहाट के लोग हैं खुसूसन, उनके लिए एक ज़रिए निजात के तौर पर अल्लाह पाक ने ये मरकज़ बनाया है। तो आप भी हैं इंशाल्लाह इस मरकज़ को देखें, इस मरकज़ की खूबसूरत को, मरकज़ के अंदर लोगों को देखें, तो वाकई एक ईमान ताज़ा हो जाता है कि कितना खूबसूरत मरकज़, और ख़ासकर इस महंगाई के दौर में और इस फितना फसाद के दौर में इस मरकज़ को बनाना कोई मामूली बात नहीं है। तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहें, मज़ीद आपको मरकज़ के बारे में भी बताएंगे।
जिंदगी।